हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन को मिलते रहे जेबीसी बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जेबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 10 है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द अदर लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट। इसमें से कौन सा आइटम जो है दूसरे लाइबिलिटी में दिखता है बैलेंस शीट का। ए पॉइंट है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, बी पॉइंट है आउटस्टैंडिंग चार्जेस लाइक रेंट, सी पॉइंट है डिपॉजिट्स ऑफ स्टाफ लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, डी पॉइंट है मार्जिन डिपॉजिट्स। ए ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ए टू डी, सी ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ए टू डी ऑल, यानी सारे पॉइंट्स इसके ऑप्शंस में आ जाएंगे। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन है, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज फीचर्स इंक्लूड। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है उसका फीचर क्या क्या होता है। ए पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन, बी पॉइंट है परपेटुअल सक्सेशन, सी पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी, डी पॉइंट है कॉमन सेल। तो यहाँ जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है उसका फीचर क्या क्या होगा। तो यहाँ उसका ऑप्शन ए ऑप्शन है ए टू सी ऑल, बी ऑप्शन है ए टू डी ऑल, सी ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है बी टू डी ऑल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी ए टू डी ऑल, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होता है आर्टिफिशियल पर्सन होगा, परपेटुअल सक्सेशन होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगा और उसके पास खुद का कॉमन सील होता है। चौथा सवाल देखिए, बोलता है ए कंपनी हैड कम विथ ए पब्लिक इश्यू ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹2 विथ एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज। ठीक है, जो कॉल्ड अप कंपनी का कैपिटल क्या होगा वो यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का बोलता है कि पब्लिक इश्यू किया उसने 20,000 शेयर से, ₹10 का हर एक शेयर का फेस वैल्यू है। ठीक है, जो इसमें कि पे कर रहा है ₹2 कर रहा है एप्लीकेशन का, बाकी बैलेंस अलॉटमेंट के बाद आपको पे करना है। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा उस समय कंपनी का। तो सीधा सा बात है 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सही ऑप्शन आ जाएगा 40,000, बाकी जो हो जाएगा ₹8 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे वो आपको बाद में करना है। फिर देखिए, द शेयर डेट कैन बी परचेज बाय एन एम्प्लॉय एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू इज कॉल्ड। बोलता है जो शेयर आप परचेज करता है कोई भी एम्प्लॉय एक फिक्स्ड प्राइस पे या प्राइस जो पहले से पता रहता है जिस समय पब्लिक इशू में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन हो गया राइट ई शेयर, बी ऑप्शन हो गया प्रेफरेंस शेयर, सी ऑप्शन हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, डी ऑप्शन हो गया स्वीट इक्विटी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फिर हो जाएगा ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी प्रिपेयर्स इट्स बैलेंस शीट एज पर पार्ट शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। बोलता है जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है प्रिपेयर करता है अपना बैलेंस शीट जो उसका एज पर पार्ट शेड्यूल होता है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। उसमें हो जाएगा ए ऑप्शन है ए 4, बी ऑप्शन है 1-6, सी ऑप्शन है 1-4, डी ऑप्शन है 5-5। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी, ये आ जाता है आपका पार्ट 1 में शेड्यूल 6 में। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन में ही, टू मेक प्रोविजंस ऑन बैड डेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज करेक्ट। जहां हमें प्रोविजंस बनाना होता है बैड डेप्ट यानी खराब लोन के ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा जनरल एंट्री सही माना जाता है। ए ऑप्शन हो गया डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट द बैड डेप्ट अकाउंट, बी ऑप्शन है डेबिट द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड क्रिएट प्रोविजन ऑन बैड डेप्ट अकाउंट, डी सी ऑप्शन डेबिट द प्रोविजन अकाउंट एंड क्रिएट द बैड डेप्ट अकाउंट, डी ऑप्शन है डेबिट द प्रोविजन अकाउंट एंड क्रिएट द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी डेबिट द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड क्रिएट प्रोविजन ऑन बैड डेप्ट अकाउंट। फिर है When the future cash flow from a project is discounted, the project can be accepted if। बोलता है जो future cash flow होता है किसी भी project का जिसको हम discount कर दें तो जो project को हम accept कर सकते हैं कब कर सकते हैं। ए ऑप्शन है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव, बी ऑप्शन है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, सी ऑप्शन है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो और पॉजिटिव, डी ऑप्शन है द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन वन ओनली। तो सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सी द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्यूचर कैश फ्लो किसी प्रोजेक्ट का तभी एक्सेप्ट होता है जब जीरो हो या फिर वन, जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, याद रखिएगा ये सब चीज आप पढ़े होंगे। ठीक है, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV उसमें आता है ये चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज द डैश रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इज डैश। यहाँ बोलता है जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कितना रेट होता है जो प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है किसी भी कैश फ्लो से किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का। ठीक है, ए ऑप्शन है रिटर्न रेट, बी ए ऑप्शन रिटर्न रेट लेस देन वन, बी ऑप्शन है डिस्काउंट रेट मोर देन वन, सी ऑप्शन है डिस्काउंट रेट जीरो, डी ऑप्शन है डिस्काउंट रेट लेस देन वन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी डिस्काउंट रेट जीरो।
फिर दसवा सवाल है, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट एट विच इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर ए गिवन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड। बोलते हैं कितना एस्टिमेटेड वैल्यू होता है किसी भी एसेट का जिसको हम डिस्पोज करते हैं आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ के बाद, इसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है डेप्रिसिएटेड वैल्यू बोलेंगे, बी ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू बोलेंगे, सी ऑप्शन है सेल्वेज और रेसिडुअल वैल्यू बोलेंगे, डी ऑप्शन नेट वैल्यू बोलेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा सेल्वेज या फिर रेसिडुअल वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि आप एसेट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको आप बेच देते हैं कुछ सर्टेन ईयर्स ऑफ बाद जहां पर आप यूज कर लेते हैं उस एसेट को, उसको हम बोलेंगे सेल्वेज या फिर रेसिडुअल वैल्यू बोलेंगे। फिर देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड क्राइटेरिया विच आर कॉल्ड। बोलते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं किसी सर्टेन बेसिस के ऊपर, सेट ऑफ रूल्स और जो क्राइटेरिया होता है इनमें से हम उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI इन इंडिया डज नॉट मैच विद द डिस्क्रिप्शन। बोलते हैं इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग जो इंस्टीट्यूट है यानी ICAI जो भारत में है, जिसमें ये जो ऑप्शंस दिया उसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा जो मैच नहीं करता उसके डिस्क्रिप्शन से। ए ऑप्शन है आपका AS-17 सेगमेंटिक रिपोर्टिंग है, बी ऑप्शन AS-26 इंटेंजिबल एसेट से, सी ऑप्शन AS-09 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है, डी ऑप्शन AS-01 इनकम फ्लो सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी AS-01 कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द अकाउंटिंग मेथड इन विच द प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स ओवर द एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ अकाउंटिंग मेथड जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को जहां पे एक्सेस हो जाता है रिसिप्ट्स का किसी भी एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या चीज हो जाता है, मतलब कौन सा अकाउंटिंग का मेथड जहां पे प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है कोई एक्सेस है रिप्रेजेंट रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो ए ऑप्शन है कैश मेथड, बी ऑप्शन है एक्रुअल मेथड, सी ऑप्शन है सिंगल एंट्री मेथड, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए कैश मेथड। 15th सवाल देखिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। ए ऑप्शन है इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर ICAI, बी ऑप्शन है आपका कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, सी ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, डी ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। फिर आई क्वेश्चन नंबर 16 में, बोलता है हेल्थ ऑफ द प्रोप्रेटर विच अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटी एंड हैंस द प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो हेल्थ होता है प्रोप्रेटर का जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस एक्टिविटी को, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में किस कारण से। ए ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी ऑप्शन है रियलाइजेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। 17th क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट्स दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट एज। बोलते जो बिजनेस होता है जो प्रॉफिट अर्न करता है वो बैलेंस शीट में दिखाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल, बी ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, सी ऑप्शन हो जाएगा कैश इन हैंड, डी ऑप्शन हो जाएगा कैश एट बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा बी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। 18th क्वेश्चन है, नेम द अकाउंटिंग इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग, नेम द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, दैट इज द फर्म हैज परचेज मशीनरी फ्रॉम XYZ फॉर कैश। बोलते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम बताना होगा, कौन सा अकाउंट होता है जहां पर ट्रांजेक्शन जो होते हैं जहां पर फर्म परचेज करता है मशीनरी XYZ से कैश में। ए ऑप्शन आ जाएगा कैश एंड XYZ, बी ऑप्शन आ जाएगा XYZ इन मशीनरी, सी ऑप्शन आ जाएगा कैश एंड मशीनरी, डी ऑप्शन आ जाएगा कैश XYZ इन मशीनरी। सही ऑप्शन आ जाएगा सी कैश एंड मशीनरी। फिर क्वेश्चन नंबर 19th में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कैश बुक, कौन सा स्टेटमेंट सही है कैश बुक के संबंध में। ए ऑप्शन है इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी ऑप्शन इट इज ए सब्सिडरी बुक एंड लेजर ऑल्सो, सी ऑप्शन है सॉरी सी पॉइंट इज नॉट एन ऑप्शन, सारे पॉइंट है तो सी पॉइंट आपको इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन, डी पॉइंट है द फंडामेंटल रूल डेट ईच अकाउंट शुड बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री देन प्रोसीड अप्लाइज टू द कैश बुक ऑल्सो। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ जाएंगे, ए ऑप्शन आ जाएगा ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन आ जाएगा ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, सी ऑप्शन आ जाएगा सी एंड डी आर करेक्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा ए बी एंड डी आर करेक्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा बी ए बी एंड सी आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 है, द अकाउंटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। जो बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन को फॉलो करता है फॉलोइंग ऑर्डर, ए ऑप्शन है, समराइजिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, बी ऑप्शन है क्लासिफाइंग समराइजिंग रिकॉर्डिंग, सी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। फिर है विच ऑफ द व्हेन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वलाइज्ड बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन द साइड वेयर अकाउंट इज शॉर्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड। बोलते दो साइड होते हैं अकाउंट का, उसको हम इक्वलाइज करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंसेस दोनों साइड में डालते हैं अकाउंट का, तो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बैलेंसिंग, बी ऑप्शन है जनरलाइजिंग, सी ऑप्शन है पॉजिटिव, डी ऑप्शन है ए और सी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है द डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट मे रिप्रेजेंट आइदर एन एसेट और एन एक्सपेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद द डेबिट बैलेंस। बोलते जो डेबिट बैलेंस होता है किसी भी अकाउंट का, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि वो या तो एसेट होगा या फिर एक्सपेंस होगा, इनमें से कौन सा चीज सही नहीं है इस संबंध में अगर वो डेबिट बैलेंस है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कैश अकाउंट एसेट्स, बी ऑप्शन है आपको रेंट अकाउंट एक्सपेंस, सी ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट, डी ऑप्शन है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस एक्सपेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 23 है द अकाउंट इज शोइंग ट्रांजेक्शंस विद पर्सन्स लाइक कस्टमर्स सप्लायर्स बैंक्स ओनर्स एटसेट्रा आर कैटेगराइज्ड एज पर्सनल अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब कैटेगरी ऑफ सच अकाउंट। बोलता है वैसा अकाउंट जहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं पर्सन्स के, कस्टमर पर्सन्स के जैसे हो गए कस्टमर सप्लायर्स बैंक्स हो गया ऑनर्स हो गया, ये सारे को कैटेगराइज किया गया है पर्सनल अकाउंट में, यहाँ पे कौन सा चीज जो होगा सब कैटेगरी अकाउंट में नहीं आता है। ए ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बी ऑप्शन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डी ऑप्शन हो जाएगा रियल पर्सनल अकाउंट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी रियल पर्सनल अकाउंट। फिर क्वेश्चन 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट रियल अकाउंट, इनमें से कौन से अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है। ए ऑप्शन है मशीनरी, बी ऑप्शन है लैंड, सी ऑप्शन है बैंक, डी ऑप्शन है कैश। सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी बैंक। फिर बोलता है क्वेश्चन 25 है ए फर्म हैज इंक्रीज्ड ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट द बेनिफिट ऑफ विच कुड बी अवेलेबल फॉर फ्यू ईयर्स इट डेबिट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ए पार्ट ऑफ द अमाउंट वाइल अदर पार्ट इज नॉट डेबिटेड। बोलता है एक फर्म है जिसको एक बहुत भारी खर्चा उठाना पड़ रहा है एडवर्टीजमेंट के चक्कर में, जो फायदा या बेनिफिट दिखेगा आपको कुछ साल के मतलब अवेलेबल रहेगा कुछ साल के लिए, और जो डेबिट किया जाता है वह प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम पैसा काट लेंगे उस अकाउंट से या डेबिट कर लेंगे जो कि एक पार्ट होता है अमाउंट का, और दूसरे पार्ट को हम डेबिट नहीं करेंगे। तो ये दो पार्ट जो है कौन कौन से हैं, ये दोनों पार्ट है ए ऑप्शन, दोनों पार्ट नॉमिनल अकाउंट है, बी ऑप्शन है बहुत नॉमिनल अकाउंट, ए ऑप्शन है बहुत नॉमिनल अकाउंट, बी पॉइंट है आपको बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बहुत नॉमिनल अकाउंट, बी ऑप्शन है फर्स्ट एज रियल अकाउंट, सेकेंड पर्सनल अकाउंट है, थर्ड आपको ऑप्शन है रियल फर्स्ट नॉमिनल सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और डी ऑप्शन है बहुत पर्सनल अकाउंट होगा। सही ऑप्शन आ जाएगा सी फर्स्ट नॉमिनल अकाउंट सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन 26 है विच ऑफ द रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट अकाउंट इज प्रॉपरली मैच्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रूल जो है डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का प्रॉपरली मैच किया हुआ है। ए ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट डेबिट द गिवर, बी ऑप्शन है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट गोज आउट, सी ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। 27th क्वेश्चन है डेबिट इन रियल अकाउंट मीन्स, बोलता है जो डेबिट करना होता है रियल अकाउंट में उसका मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन होता है वैल्यू ऑफ द एसेट, ए ऑप्शन नहीं है ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया आपका वैल्यू ऑफ द एसेट हुज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड हैज इंक्रीज, बी ऑप्शन हो गया वैल्यू ऑफ द एसेट हुज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड हैज डिक्रीज, सी ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस हैज एक्वायर्ड मोर ऑफ डेट एसेट, डी पॉइंट हो जाएगा बिजनेस हैज सोल्ड डेट एसेट। या ए ऑप्शन है ए और सी ओनली, बी ऑप्शन है बी और सी ओनली, सी ऑप्शन ए और डी ओनली, डी ऑप्शन है सी और डी ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ए और सी ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है नॉमिनल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विच सिग्निफाइज, ए पॉइंट है देयर हैज बीन सम एक्सपेंस, बी पॉइंट है देयर हैज बीन सम लॉस, सी पॉइंट है सम इनकम हैज डैमेज्ड, डी पॉइंट है सम प्रॉफिट हैज डैमेज्ड। यहाँ ए पॉइंट आ जाएगा ए टू डी ऑल, बी पॉइंट आ जाएगा ए बी एंड सी ओनली, सी पॉइंट आ जाएगा
या सी ऑप्शन आ जाएगा बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन आ जाएगा ए एंड डी ओनली, सही ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू डेबिट और क्रेडिट टू कैश बुक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है डेबिट और क्रेडिट कैश बुक के संबंध में। ए ऑप्शन आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड पेमेंट साइड, बी ऑप्शन आ जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड, सी ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट साइड इज पेमेंट एंड डेबिट साइड इज रिसिप्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा डेबिट साइड इज पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज रिसिप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी क्रेडिट साइड इज पेमेंट एंड डेबिट साइड इज रिसिप्ट। 30 क्वेश्चन देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है डेबिट, बी ए ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट, बी ऑप्शन है क्रेडिट डेबिट, सी ऑप्शन है बॉथ क्रेडिट, डी ऑप्शन है बॉथ डेबिट। सही ऑप्शन हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेबी का अकाउंटिंग का वन डे चैलेंज प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप एक दिन भी, मतलब 24 घंटा होता है एक दिन में, एक दिन में अगर ढंग से पढ़ के जाएं, ढंग से यानी अगर कम से कम आप वीडियो लेक्चर कोर्स भी करके जाते जो 12 घंटे का होता है, केस स्टडी का वीडियो 6 घंटे का है, ये दोनों भी कर लेने तो कम से कम पास जरूर कर जाएंगे आप। उसके बाद आपको 2006 का क्वेश्चन बैंक है, सुपर नोट्स है, जिसमें कि जो वीडियोज आपको पढ़ाया जा रहा है उसका स्क्रीन शॉट या फोटोज है, और इसकी जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग रहता है, इनकेस अगर आप नेगेटिव चीज हो गया मान लेते फेल करके तो ये फिर भी कोर्स की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। ठीक है, अगर आप जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल पेपर करते हैं तो इसका दाम है 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग पेपर करते हैं तो इसका दाम है 1500 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पेपर करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं तो दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो गया seetsina123@gmail.com।